हम अपने दोस्त को कैसे बिगाड़ते हैं, ये मैंने कुछ बताया अपने शब्दों में एक दोस्त के लिए कि हाँ हाँ मैंने अपने दोस्त को बिगाड़ा है, हाँ मैंने अपने दोस्त को बिगाड़ा है। वो अपने मम्मी पापा का राजा बेटा था, वो अपने मम्मी पापा का राजा बेटा था, साले गाली तक ना देता था। कॉलेज का पहला दिन था और क्लास के कोने में सहमा सा बैठा था। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो मैंने ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया और पूछ लिया कि पहली बार कब हिलाया। वो डरा कि ये मैंने क्या पूछ लिया, फिर मुस्कुराया तो मैं समझ गया कि उसने कई बार हिलाया। मैंने उससे बोला, डर मत, मुझसे सब कुछ कह सकता है, मैं तेरा दोस्त हूँ। ये बात उसके दिमाग में डाला है, हाँ मैंने अपने दोस्त को बिगाड़ा है, हाँ मैंने अपने दोस्त को बिगाड़ा है। भोलेनाथ का भक्त था वो, भोलेनाथ का भक्त था वो, दारू और नॉनवेज का नाम तक ना सुनता था। भोलेनाथ का भक्त था वो, दारू और नॉनवेज का नाम तक ना सुनता था। तो अंडा वेज होता है ये बोल के उसे खिलाया, और दारू भोलेनाथ का प्रसाद, तो फिर क्या, पैग उसने खुद बनाया, खुद भी पिया और हमें भी पिलाया। हरदम पढ़ाई की बातें करता था तो लड़कियों की बात करना सिखाया है। अपनी पहली गर्लफ्रेंड की फ़ोटो उसने बस मुझे दिखाया है, और बताया कि कैसे उसने इसे छोड़ा, फिर जाके वो यहाँ आया है। मैंने बोला, भूल जा उसे, बहुत मिलेंगी तुझे। तब जाके उसने फ़ोटो फाड़ा है, हाँ मैंने अपने दोस्त को बिगाड़ा है, हाँ मैंने अपने दोस्त को बिगाड़ा है। रूम होते हुए भी हमने रात भर बाहर गुजारा है, जहाँ लड़कियाँ दिखती बोलते भाई देख क्या नज़ारा है, बिन बुलाए शादी में भी गए, खाना खाया, नाचा और नचाया है। कई बार उसे तो मैंने पुलिस के चक्कर से भी बचाया है, पास होने के लिए पेपर भी लीक करवाया है। दुख सुख में साथ रहे और भाई का दर्जा पाया है, लड़ाई मेरी थी उन लड़कों से, पर उसने जाके मारा है, हाँ मैंने अपने दोस्त को बिगाड़ा है, हम साथ रहते थे तो हम टाइम स्पेंड करते थे, अब हम टाइम कैसे स्पेंड करते थे। हमने रात चाय सुट्टा और बातों में गुजारी है। लोगों को लगने लगा था हमें दोस्ताना के अभिषेक बच्चन और जॉनी ब्रेम वाली बीमारी है, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि मेरे भाई को आ नहीं रही थी दाढ़ी है। भाई गुस्सा मत होना, सुनना, तो दाढ़ी थी जिसको हम कहते झाड़ी है। परिवार का क्या सीन था कि अब दोस्त है घर आता ही है, तो कैसा था, मेरे खानदान में मुझसे ज़्यादा उसे जानने लगे थे। अब मेरे घर वाले भी उसे अपना बेटा मानने लगे थे। खेल भी हमने बहुत स्पोर्ट्स खेले साथ में, हमने बहुत स्पोर्ट्स खेला है और उसका दर्द भी झेला है। अपोजिट टीम में भी डाला है। मेरी खुशियों के लिए वो कई बार हारा है। हाँ मैंने अपने दोस्त को बिगाड़ा है। सिलसिला चलता रहा, खुशियों के दिन कटते गए। अब कॉलेज की लाइफ खत्म हो गई। जिम्मेदारियों ने सपनों का मकान उखाड़ा है। हाँ मैंने अपने दोस्त को बिगाड़ा है। थैंक यू। पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब।